तो अब हम बात करेंगे बच्चों इरेशनल नंबर पे, तो चौथा नंबर पे रेशनल आया था, ये पांचवें नंबर पे हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू डैश या क्यू सी। ऐसे क्यू सी मतलब एन रेस इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक तो बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई बच्चों की, वही पी बाई क्यू के फॉर्म में जो न लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर हो गई, मतलब जो नंबर। अच्छा, दूसरा ये भी बोल सकते हैं भाई इरेशनल कौन, तो जो रेशनल ना हो, मतलब जो रेशनल नहीं होगा वो सब इरेशनल है। या दूसरा जो नीचे वाला डेफिनेशन था, नीचे वाला क्या कि जो नंबर्स रिपीट कर रही हैं या तो टर्मिनेट कर रही है वो रेशनल थी, मतलब जो ना तो रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे वो क्या कहलाएगी इरेशनल नंबर। तो ये भी डेफिनेशन है कि आपका नंबर्स विच आर आफ्टर डेसिमल नाइदर रिपीट नॉर टर्मिनेट, ना तो रिपीट करे ना तो टर्मिनेट करे। मैंने इसको अंडरलाइन किया गया, इंपॉर्टेंट है इसको, और बोलते हैं शॉर्ट में NRNT, नाइदर रिपीट नॉट टर्मिनेट, NRNT, नाइदर रिपीट नॉट टर्मिनेट, आर नाइदर आफ्टर डेसिमल नाइदर रिपीट नॉट टर्मिनेट कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये आपका ये डेफिनेशन आती है। जैसे फेमस इसका एग्जांपल है, एकदम फेमस एग्जांपल इसका होता है इरेशनल नंबर का, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है छोटे मोटे वो वाइवा में, तो ऐसे ही मजाक में लोग मजे के लिए पूछ लेते हैं कि बेटा ई के बारे में बताओ, पाई के बारे में बताओ, ये कैसी नंबर्स है, ई और पाई दोनों इरेशनल नंबर है। ई की वैल्यू होती है, याद रखना है भाई बच्चों, 2.718, और डॉट 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 थोड़ा आगे तक चलता है लेकिन इतना याद रखेंगे। और पाई की वैल्यू भी ऐसे सिमिलरली याद रखते हैं, इसको तो याद ही होगा 3.14, ये लगभग। अच्छा, ये जो मैं लिखा हूं ना, एक अब मैं यहाँ पे आपके सामने चेंज करने जा रहा हूं कि इसको हम कहेंगे लगभग इसके बराबर है, इसको भी हम कहेंगे कि लगभग इसके बराबर है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लगभग में और एग्जैक्ट में अंतर है। जब IIT में आपका मान लो सवाल पूछा है और सवाल में आपका आंसर आ गया पाई, और ऑप्शन में दे रखा है 22/7 भी, ऐसा 2010 में हुआ था IIT में कि आपका आंसर आया पाई मोर देन वन क्वेश्चन आंसर सही, उसने पाई के अलावा 22/7 भी दे दिया था। और हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं 22/7 इक्वल टू पाई इक्वल टू 22/7। अब क्या हुआ कि जब वहां पे आंसर पाई आ गया तो मैक्सिमम लोगों ने 22/7 भी मार दिया कि मोर देन वन करेक्ट है, और 22/7 भी आंसर लगा दिया कि भाई पाई भी है 22/7 भी आंसर सही है। लेकिन लगभग कभी जिक के बराबर नहीं हो सकता, लगभग कभी बराबर ही नहीं कर सकता। तो लगभग ये 22/7 के बराबर होता है, एग्जैक्ट 22/7 के बराबर नहीं होता है। मतलब अगर आंसर हमारा पाई आया है तो पाई ही होगा, 22/7 नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है कि क्यों 22/7 पाई दोनों बराबर नहीं है, उसके पीछे एक और भी वजह है। तो ये आपका पहले तो मैं लिखा हूं कि दो फेमस एग्जांपल इसके हैं कि ई और पाई। अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दूं, जो कि मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि ई की वैल्यू आती कैसी है। तो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1+x/(1+x²)/(2+x³)/(3+……). अब यहाँ पे क्या कर दो, सिंपली मैं आपको बस फील दे रहा हूँ कि e की वैल्यू कैसे इसके बराबर होती है। अगर x बराबर 1 पुट कर दो बच्चों, तो यहाँ पे आ गया e, और यहाँ हो गया 1+1+1/2 प्लस ये हो जाता है 1/6, फिर ऐसे आगे तक रहेगा। अब देखो ये 1 और 1 मिलके 2, ये 1/2 मिलके 2.5, और ये लगभग 0.123 2.6, मतलब आपको दिख रहा होगा कि इतना मिलके 2.5 हो चुका है और ये वाला सारा मिलके इतना कंट्रीब्यूशन देता है कि वो 7.18 हो जाता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू 2.718 के लगभग बराबर होती है, एग्जैक्ट नहीं लगभग बराबर होती है, ऐसे चलता जाता है। तो ये आपका रहा दूसरा
एक और हम चीज बोल रहे थे, और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं, और भी अगर इसके एग्जांपल्स हम लिखें तो फटाफट एग्जांपल्स अपन लिख सकते हैं कि रोड टू, रोड थ्री, रोड फाइव, रोड सिक्स, ऐसे ये सब भी इरेशनल के एग्जांपल्स हैं। ई है ही, पाई है ही, 22/7 नहीं है। अब 22/7 बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान देना कि इसकी वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसमें एक और बात आती है आपके सामने, ठीक है, 22/7 और पाई आपका एक इरेशनल नंबर है पाई, और 22/7 के बराबर नहीं है। फिर और क्या आप कहना चाहते हैं इसके बारे में, और क्या आप बताना चाहते हैं? तो और हम बताना चाहते हैं इसके बारे में है, आपको और थोड़ी सी चीज जाननी चाहिए कि एक छोटा सा मैं पॉइंट देता हूं, एक छोटा सा मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं स्टार डाल के। देखो बच्चों, क्या है कि जो रेशनल और इरेशनल, आपको याद हो हायरार्की ऑर्डर जो मैंने बनाया है अभी, हायरार्की ऑर्डर मैंने कहा कि रेशनल रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल और इरेशनल मिलके ही पूरा रियल नंबर बनाएगा। जो ये ब्रांच खुली थी, जो ये ब्रांच खुली थी कि रियल के बाद दो पार्ट, एक था रेशनल और एक था इरेशनल, मतलब ये दोनों मिलके ये बनाएगी। और अभी थोड़ी देर बाद पहले बतवा देता हूँ कि रियल क्या होता है, तो पूरा ये रेशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर देता है। मतलब रियल नंबर में से जो पार्ट रेशनल हो गया, वो जो बच गया वो इरेशनल हो गया। इसका मतलब कि रियल लाइन सिस्टम पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं स्टार डाला हूं इस चीज पे कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के जस्ट पड़ोसी होते हैं, मतलब यहां पे अगर ऐसे मैं लिखा हूं कि इसकी ये रेशनल अगर मान लो तीन है, तो कोई ये पूछेगा कि इसकी अगली नंबर कौन सी होगी, तो हम कहेंगे जस्ट जो अगली नंबर होगी, जस्ट इसके बगल में जो होगी वो एक इरेशनल नंबर होगी, क्योंकि तीन रेशनल नंबर है। और यही कहानी पाई और 22/7 को लेके है कि पाई जो है इरेशनल है, जबकि 22/7 रेशनल नंबर है, प्लूटो इसके बारे में पता है क्या किया था, प्लूटो बैठ के डिवाइड कर रहा है, कभी ये खत्म नहीं होती है, फिर भी एक ऐसा एग्जांपल है जो ये एनआरएनटी को फॉलो करती है, फिर भी रेशनल नंबर है, मतलब आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है। और ये दोनों ऐसी नंबर है कि ये जस्ट पड़ोसी है, मतलब अल्टरनेट होती है, एक दूसरे के अगल बगल होती है, अल्टरनेट टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट अड़ोसी पड़ोसी होती है, मतलब अगल बगल होती है। तो ये नंबर कहलाता है आपका रेशनल, और ये है आपका इरेशनल। अब इसके अगला वाला पार्ट रेशनल इरेशनल के बारे में इतना सफिशियंट है आपको जानना। हाँ, ये ध्यान रहे कि अगर कभी आंसर पाई और 22/7 दोनों ऑप्शन में दिया हो, आपका आंसर 22/7 आया है तो पाई मत मारना, और पाई आया है तो 22/7 मत मारना, यानी कि दोनों मार देना कि नहीं मोर देन वन करेक्ट है तो हम मार के यहाँ बैठे पड़े हैं, और गलत करके अपना चार नंबर जो आ रहा था उसको -1 में कन्वर्ट किए हैं। अच्छा, अगला पांचवे के बाद छठे नंबर पे आते हैं। छठा नंबर है, मान लो कि रियल नंबर्स, तो ऑल नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड आर नंबर लाइन सिस्टम इज कॉल्ड रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जो रियल नहीं होगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे कि ये इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन सिस्टम,
जो कि माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट होता है, और इस पे जो कोई भी नंबर कोई भी बोलेगा कि भाई रूट टू बता दो, तो हम कहेंगे कि रूट टू वन के आगे थोड़ा कहीं होगा, कहाँ होगा नहीं पता, ये टू है। कोई बोलेगा रूट फाइव बता दो तो यहाँ हो जाएगा, कोई बोलेगा ई बता दो तो ई हम कहेंगे कि ये टू टू और ये थ्री के बीच में कहीं होगा यहाँ ई, कोई बोलेगा पाई बता दो तो हम बोलेंगे ये। तो ये सब नंबर्स जो आपका नंबर लाइन सिस्टम पे लिखा जा सके उसको हम बोलते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं। अच्छा, एक और बात है जो आपको जानना चाहिए यहाँ पे बच्चों की, देखो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लिखा गया है, सबके दिमाग में आ जाता है कि सर ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा क्या। देखो ये भी एक नंबर सी होती है, पर इतनी नंबर इतनी बड़ी होती है जितनी नंबर तुम मान लो कि अपने दिमाग में खूब बहुत बड़ी नंबर इमेजिन करो, बहुत बड़ी नंबर इमेजिन करो। इसमें मान लो कि हम पहले 9 से स्टार्ट किए और खूब सारा 9, 8, 7, 5 खूब सारा ले लिए, मतलब जैसे हमने ले लिया कि ऐसे कुछ ऐसे ऐसे 9, 8, 9, 9, 8, 7, 5, 2, 9, 9, 8, 2, 9, 9 ये ले लिया हमने, कहा ये बहुत बड़ी नंबर है, और भी 9 लगा दिए, और भी लगा दिए, और भी लगा दिए, हमने कहा कि ये बहुत नंबर है, हमारे इमेजिन करने से भी ऊपर है। अब क्या, फिर क्या, फिर ये कि किसी को यह कहा कि ना 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 इससे भी बड़ी नंबर हम लिख सकते हैं 9, एक और लगा दिया, कहा इससे बड़े, कोई और कह रहा है इससे भी बड़ी नंबर लिख सकते हैं, मतलब ये इसका जो इन्फिनिटी, इसका दूसरा नाम है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब जो डिफाइंड ना हो, जो मतलब डेफिनेट ना हो। अब ये है कि आपका फिक्स नहीं है कि इसी नंबर को ही हम इन्फिनिटी या इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोल सकते हैं, मतलब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा कि जितना बड़ा, अब जितनी भी बड़ी नंबर इमेजिन कर सको, मतलब अपनी पूरी कॉपी भर डालो, आप लिखते लिखते 9, 9, 9 लिखते भर डालो और बोलो कि सबसे बड़ी नंबर मैं आके लिख दिया, वो एक और 9 लगा के बोलेगा उससे बड़ी तुमसे बड़ी मैं लिख दिया, कोई एक और आदमी लगा के बोल दे एक और बड़ी नंबर मैं लिख दिया। तो ये मतलब है कि जो चीज डेफिनेट नहीं है, डिफाइंड नहीं है, जो कि जिसकी फिक्स निश्चित वैल्यू नहीं है, वही आपका अनडिफाइंड इंडिफिनिट है। इसका मतलब यह होगा कि एक नंबर होती है लेकिन बहुत बड़ी, हमारे इमेजिन मतलब कल्पना करने से भी बड़ा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडिफिनिट या इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, यह आपका इनफाइनाइट होता है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका टाइटल प्राइम नंबर, फटाफट देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स, ये नंबर सिस्टम ही चल रहा है अभी, प्राइम नंबर्स ये सारी चीजें, प्राइम नंबर वो नंबर होती है, प्राइम नंबर्स व्हिच नंबर्स व्हिच है नंबर्स व्हिच है ओनली टू फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये टू फैक्टर, व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर एज वन एंड itself, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है इस पे सवाल आपको मैं कराऊंगा, सवाल किस टाइप के बनेंगे कि भाई ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है मतलब फिक्स बात हो गई, या तो उसके फैक्टर एक होगा या तो उसका फैक्टर खुद वो वही होगा, दो ही फैक्टर होगा, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है, लिस्ट प्राइम नंबर होता है। टू फिर थ्री, देखो इसके फैक्टर या तो एक या तो दो, इसके भी तीन है कि एक या तीन, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा, सवाल दौड़ेगा कि सर वन क्या है, तो बेटा वन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वन के दोनों फैक्टर एक ही एक है, मतलब दोनों बराबर है, जिसमें इसमें कहा है कि दो फैक्टर होना चाहिए, एक तो वन स्पेसिफाई किया है, दूसरा इटसेल्फ का मतलब ये नहीं बोला है कि वन ही होना चाहिए, दोनों अलग अलग, एक तो वन एक दूसरा कोई, यानी वो खुद जो नंबर होगी वो वन नहीं, दूसरा रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यानी अगर मैं ये कहूं कि वन के एक फैक्टर वन है और एक वन इटसेल्फ है, तो ये दो थोड़ी हो गए, वो तो एक ही नंबर कहलाएंगे, वन वन एक ही नंबर है, काउंटिंग का एक ही फैक्टर है वो, तो इसलिए वो वन फैक्टर यानी वन प्राइम नहीं होता है। लिस्ट प्राइम टू फिर थ्री फिर फाइव फिर सेवन, फिर बिना बकवास किए फटाफट कुछ लिख देते हैं, इसके बाद से कुछ ऐसी नंबर्स हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगर उससे दो से ज्यादा फैक्टर होगा तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएंगे को प्राइम ने कंपोजिट नंबर्स यानी ऐसी नंबर्स की नंबर विच है मोर देन टू फैक्टर, दो से जिनके ज्यादा होते हो, लिस्ट कंपोजिट होती है, चार
फिर छः, फिर कोई आठ, फिर नौ, फिर दस, फिर बारह, ये सब नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। फिर तो इसके बाद अभी एक वर्ड हम लिख रहे थे, आपने देखा होगा गलती से लिख रहा था मैं पहले ही उस चीज को, जिसका नाम है कोप्राइम। तो ये नंबर्स है कोप्राइम, कोप्राइम भी अपने को जानना चाहिए। कोप्राइम ऐसी नंबर्स जिनका मतलब कोप्राइम नंबर क्या होगी, तो भाई जिनका HCF 1 हो जाए वो कोप्राइम रहेगा, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 का, जिनके सिवाय 1 का कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो कोप्राइम हो जाएगी। मतलब नंबर्स HCF सबको आता होगा, क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ा होगा, कुछ ना हमेशा पढ़ते रहे होंगे। तो नंबर्स 2 नंबर्स टू नंबर्स विच हैव HCF एच वन इज कॉल्ड को प्राइम। लाइक क्या क्या हो सकता है, देखो क्या क्या को प्राइम हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 4 9 हो सकता है, 6 6 6 के साथ आपका कौन 20 भी नहीं हो सकता, 6 के साथ कोप्राइम छोड़ के मैं लेता हूं 5 12 हो सकता है। इस तरह की जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपकी कोप्राइम है। जैसे कि देखो इन दोनों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इस तरह के जो नंबर्स होगी वो कहलाएंगे आपकी HCF यानी कि हाई, ये कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स, इस तरह के नंबर्स कहलाएंगे को प्राइम नंबर। के बाद आपका अगले पे आते हैं, को प्राइम नंबर के बाद एक और आपको नंबर जानना चाहिए जिसका नाम होता है ट्विन प्राइम, जिसका नाम होता है ट्विन प्राइम। अच्छा क्या आप लोगों ने कभी दो ट्विन्स को देखा है, दो ट्विन्स में क्या खासियत होती है, दो ट्विन्स में खासियत ये होती है कि दो ट्विन जो होते हैं वो आपके जो ट्विन होते हैं उसमें खासियत ये होती है कि उसमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि दो ट्विन है तो वो एकदम काफी सिमिलर होंगे, मतलब काफी एक फिजिकली जो अपीयरेंस होगा वो काफी सिमिलर होगा, उनमें आप डिफरेंस कर पाना कठिन होगा। मतलब सिमिलरिटी ज्यादा है का मतलब डिफरेंस कम है उनमें। मतलब दो ट्विन को आप देखना, ट्विन ब्रदर्स देखना, तो उसमें क्या होगा कि दोनों काफी एक दूसरे से सिमिलर दिखेगा। कई बार आप गलती से लगेगा कि वही वाला वो है, वही वाला वो है, मतलब बहुत ही इससे मिस मतलब आपको मिस कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप इस तरह की जो नंबर्स होती है जिनमें ट्विन का मतलब हो गया कि सिमिलरिटी ज्यादा मतलब डिफरेंस कम, मतलब ऐसी प्राइम नंबर जिसमें सबसे कम डिफरेंस हो वो कहलाएगा ट्विन प्राइम। मतलब नंबर्स प्राइम नंबर। अच्छा इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपके सवाल के दौरान जब पूछा है तो हमको पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्यों आ गया, पता चला कि ट्विन प्राइम नाम आ गया और वहां हम लेके बैठे कि अब सर मिलेंगे तो कल हम पूछेंगे कि सर जी ये ट्विन प्राइम कहा होता है। तो यही नहीं, इसको आप पहले बार मैंने बता दिया कि भाई ट्विन प्राइम आपको आना चाहिए, आया है तो कम से कम ट्विन प्राइम जो एक छोटी सी बात है, लल्लू सी बात है, उसके लिए हम परेशान बैठे पड़े हैं। तो प्राइम नंबर्स विच हैव लिस्ट डिफरेंस, और लिस्ट डिफरेंस को मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं। बहुत लोगों के मन में आएगा कि इधर आप सर आप सबसे लिस्ट डिफरेंस तो यहाँ पे 2 और 1 है, सबसे लिस्ट डिफरेंस तो 2 और 1 है, मतलब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 1 डिफरेंस है, फिर 3 5 के बीच में 2 है, 5 7 के बीच में 2 है, 7 11 के बीच में 4 है, मतलब ज्यादा हो गया ये तो, 11 और 13 के बीच में 2 है, मतलब ये भी कम ही लग रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब या तो सबसे कम डिफरेंस 1 आया है या तो उससे ज्यादा की बात 2 हुई है। तो अगर हम यहाँ पे 1 डिफरेंस कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 पेयर आएगा 2 और 3, और इससे हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज लेके इन्हीं की स्पेसिफाई करके हम बैठे पड़े हैं, अगला कुछ बना नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि लिस्ट डिफरेंस का मतलब ये लिस्ट डिफरेंस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, अलग चौक से यूज कर रहा हूं, डिफरेंस इक्वल टू 2। तो प्राइम नंबर्स विच हैव लिस्ट डिफरेंस इज कॉल्ड ट्विन प्राइम, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम। एग्जांपल क्या हो जाएगा इनका, अब एग्जांपल 3 5 5 7
1130, ठीक है, 1719, इस टाइप की जो एक जो नंबर्स हो गए वो कहलाती है आपकी ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ी लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे HCF LCM। तो अब पढ़ते हैं अपन लोग HCF LCM, हाँ। तो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं कि आपका एक छोटा सा पॉइंट अपन लोग याद कर लेते हैं अभी कि देखो क्या है कि ये बिल्कुल बचपन की चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा ये अच्छी बात है कि रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा। आउटपुट मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर भी मिलेगा। मतलब आम का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल भी खाएंगे, घटाएंगे रेशनल में से तो रेशनल ही मिलेगा, गुना करेंगे तो भी रेशनल मिलेगा। तो ये सब चीजें आपका मल्टीप्लाई जोड़ने घटाने से आपका रेशनल का रेशनल मिलता है। दूसरे अगर इरेशनल नंबर में अगर मैं इरेशनल नंबर जोड़ता हूं, ये फटाफट मैं देख लेता हूं, इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ते आए हैं बचपन से। ये इरेशनल नंबर ही आएगा, घटाएंगे तो भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा। सपोज एक्सेप्ट जीरो को हटा देते हैं इसमें से, क्योंकि जीरो में मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा इरेशनल का, तो वो आपका जीरो को डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशनल हो जाएगा। तो एक्सेप्ट जीरो को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। तीसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूं कि इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो तो इरेशनल नंबर के साथ तो आप घर जोड़ने पे तो ठीक है, जोड़ेंगे तो आपका ठीक है आ जाएगा रेशनल इरेशनल, लेकिन घटाने पे और ये सब मल्टीप्लाई करने पे जरूरी नहीं है, तो मे बी रेशनल, इसलिए ये आप फिक्स करके लिख लें कि मे बी रेशनल आर इरेशनल, कुछ भी हो सकता है इरेशनल नंबर्स। हाँ, अब इसके बाद बच्चे पढ़ेंगे जो अभी मैंने नाम लिया था HCF LCM, तो यहीं पे जगह है, यहीं से अपन पढ़ लेते हैं HCF and LCM क्या होता है। नाम से क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे मैं कुछ आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे साथ साथ आप जवाब देना। HCF आप 2.3, इन दोनों का 2.3 तो छोड़ देते हैं, 2.4 बोलो क्या आएगा HCF 2। HCF आप 3.6 क्या आएगा 3। HCF आप फटाफट आप बस जवाब देते जाओ, 6.8 क्या आएगा 2। HCF आप 4.9 क्या आएगा तो आपका 1। अरे देख लो 1, ये एक और नाम था इनका थोड़ी देर पहले, अभी हमने देखा है एक और नाम था कोप्राइम, याद आया कोप्राइम। और जरा बात करते हैं अब काम की बात। HCF आप 2/3, 4/5, 3/7 क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा HCF बताओ। तो याद रखना कि HCF आप a/b, c/d, e/f इस तरह के नंबर्स अगर डेसिमल ये आपका रेशनल नंबर्स लिखी गई हैं ये, तो आप इनको लिख सकते हैं, इनका HCF होता है ऊपर का HCF, ACE का HCF और नीचे का LCM, BDF नीचे का LCM। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ऊपर का HCF 2/4/3 और नीचे का LCM 3/5/7। आपको पता होगा ऊपर का LCM सबको दिख रहा है 1 और नीचे का LCM दिख रहा है 5 में 3 मल्टीप्लाई किया 15, 15 में 7 मल्टीप्लाई किया हो गया 105। तो ये आपका HCF का तरीका हो गया, ठीक है। LCM पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं,
कर ही लेते हैं बात, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम पे बात कर लेते हैं। तो अगर एलसीएम पे बात करेंगे तो पहले मैं कुछ चीजें पूछ लेता हूं। एलसीएम ऑफ 2, 3 क्या हो जाएगा, सबका जवाब आएगा सर 2, 3 6 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2, 4 क्या हो जाएगा, सबका जवाब आएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं एलसीएम ऑफ x, x+1 क्या होगा, तो सब लोग फटाफट जवाब दे दोगे सर मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम ऑफ अगर मैंने पूछ लिया x-1 और x²-1 में क्या हो जाएगा, तो सबका जवाब आ जाएगा कि सर x²-1 हो जाएगा एलसीएम। इतने तक तो ठीक है। अगर मैं और पूछ लूं कि बेटा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ सब लोग बता दो √2, √3 फिर एलसीएम आप, अब मैं बस लिख रहा हूं आपको बताना है 3√2, अब बस आपको बताना है एलसीएम। देखो और मैं लिख रहा हूं एलसीएम आप √3, 4√3 एलसीएम आप, अब आपको बस बताना है √3, √6 ठीक है। तो सबका जवाब आ रहा होगा फिर एलसीएम आप एक और पाई 2π और यहाँ पे एक और एलसीएम, एलसीएम आप π/π² ये सब एलसीएम। तो सबका जवाब आ रहा होगा कि सर जी देखो मैं अलग चौक से लिख रहा हूं कि सर जी इसका एलसीएम √6, सर जी इसका एलसीएम √3, सर जी इसका एलसीएम √4, सर जी इसका एलसीएम √6, सर जी इसका एलसीएम √2π, सर जी इसका एलसीएम π². पर आपको क्या एक बात पता है कि ये सारी जो बातें आपने लिखी है वो पूरी तरह से 100% सही नहीं है, ये आपका गलत है, ये एलसीएम नहीं है। सोचो ये सही है, ये क्या नौटंकी चल रहा है यार, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, ये क्या नौटंकी हो गया सर जी। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि ये गलत है ये सही है, ये गलत है सही है, सर हम कैसे पहचानेंगे कि सर आप कैसे पहचान लिए कि ये गलत था और ये सही था, आप कैसे पहचान लिए कि सर ये गलत है ये सही था। आपके पास कुछ तो दिमाग होगा, कुछ तो आइडिया लगाया होगा। तो एक तो पहला बात यह है कि इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको नहीं आती है, जिनको जिनका ये गलत था, जिनका सही था उनको इसका मतलब आती है, और जिनका गलत था उसका मतलब उनको बेसिक डेफिनेशन बेटा नहीं आती है, नहीं पढ़े हो आप, पहली बात। दूसरी बात तरीका भी होता है एक, जैसे अगर मैं कहूं तो ये थोड़ा सा ऐसी बात है कि सेम टाइप की सेम डायमेंशन, फिजिक्स में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं यूनिट डायमेंशन के बारे में कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को हम जोड़ते या घटाते हैं। सेम टाइम डायमेंशन मतलब अगर मीटर में मीटर को जोड़ सकते हैं लेकिन मीटर में सेंटीमीटर को नहीं जोड़ेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में जोड़ेंगे तो उसको पहले सेंटीमीटर या मीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को सेम डायमेंशन में कर लेंगे। मतलब वही है कि सजातीय होना चाहिए, हिंदी बोले तो सजाति होना चाहिए, सेम टाइप का एक प्रकार का एक जाति, मतलब कास्ट नाम लेने से मैं बच रहा हूं, नहीं यूज करना चाहता हूं, लेकिन तब भी सजाति होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। यहां देखो इसकी जो कास्ट है, इसकी जो प्रकार है टाइप है वो √2 टाइप का इरेशनल नंबर है। मतलब देखो आगे जब चलोगे बेटा ना आप पढ़ोगे तो इरेशनल नंबर के भी कैटेगरीज पढ़ोगे कि ये किस ग्रुप का है, तो ये पता चलेगा कि आप ये √2 का क्लास है, ये √3 का क्लास है। क्लास उसको हम आगे पढ़ते हैं कि किस क्लास का है, किस ग्रुप का है, कौन सा ये क्लास है, ये पता चलेगा कि ये √2 के क्लास का है, ये √3 के क्लास का है। तो ये √2 का इरेशनल नंबर अलग है, √3 का इरेशनल नंबर अलग है। तो ये सजातीय नहीं है, सेम टाइप नहीं है, तो यहाँ पे आपका आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे नॉट पॉसिबल होगा, यहाँ पे एलसीएम नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां देखो सजाती है, सेम कास्ट के हैं, सेम जात के हैं, सेम टाइप के हैं, √2, √2 ये पॉसिबल है। यहां देखो √3, √3 फिर सजातीय मिले, पॉसिबल है। √3, √6 सेम टाइप के नहीं है क्योंकि यहां पे √3 है, यहां पे भी √3 है लेकिन उसके साथ साथ √2 भी है, तो एक्स्ट्रा भी है यहां पे, इसलिए इसका नहीं है ये। यहां पे देखो पाई और 2π सेम टाइप का इरेशनल नंबर है, ये सेम टाइप की इरेशनल नंबर है, तो 2π, पाई और पाई स्क्वायर आपका
अलग अलग प्रजाति की है, ये पाई प्रजाति है, ये पाई स्क्वायर प्रजाति है। तो सर जी इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये कहना चाहते हो कि हमेशा क्या सेम टाइप की इरेशनल नंबर का, क्या सेम टाइप की इरेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? तो हाँ बिल्कुल करेगा। आपका एलसीएम जो हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ आपके लिए कि ये देखो कि सेम टाइप का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल कामा इरेशनल, पहले तो मैं लिखूंगा कि नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना कि संभव नहीं है, बट इसमें एक एक्सेप्शन कंडीशन आ जाती है, बट पॉसिबल, पॉसिबल कब होगा? पॉसिबल व्हेन इरेशनल नंबर आर सेम टाइप, इरेशनल नंबर्स आर सेम टाइप। अगर ये सेम टाइप की है, सेम काइंड की है, सेम टाइप की है, तो उस केस में इसका आपका इस केस में एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, एलसीएम पॉसिबल होगा। तो इस तरह से देखो रूट टू रूट थ्री, रूट थ्री सेम प्रजाति, पाई सेम प्रजाति, तो इस बार पॉसिबल हो गया। तो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, वो मैं आपको अगर बता दूं तो एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी, जो एक्चुअल आपका एलसीएम का डेफिनेशन है वो आप देख लो, सबका मैं प्रूफ और वेरीफाई भी कर दूंगा। देखो अगर देखो बच्चो, इफ एलसीएम ऑफ ए कामा बी, अगर सी है, क्या एलसीएम ऑफ ए कामा बी अगर सी है, तो एंड तो देन सी बाई ए एंड सी बाई बी, अगर सी है तो सी में ए को डिवाइड करो, सी में बी को डिवाइड करो, मस्ट बी इंटीजर, ये आपका एक इंटीजर आना चाहिए, ये आपका इंटीजर आना चाहिए। तो अच्छा एक और बात आप जान लो कि एलसीएम आप यहां पे देख लो, यहां पे देख लो बच्चों, एलसीएम आप रेशनल और इरेशनल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, रेशनल एंड इरेशनल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। देख लो यहां पर रेशनल और इरेशनल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा नॉट पॉसिबल होगा, इसमें कोई संभावना ही नहीं है, होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये तो अपन याद ही रखेंगे, उसके पीछे भी वजह हम यहां दिखा दे रहे हैं। तो आपका देखो मस्ट बी इंटीजर, अब जरा देखो क्या है कि हमने कहा था कि एलसीएम आप रूट टू रूट थ्री इक्वल टू, सबके मुंह से एक ही बार में फटाफट अपने आप जवाब आया था कि सर जी रूट सिक्स, लेकिन क्या रूट सिक्स में रूट टू डिवाइड करेंगे तो रूट थ्री मिलेगा, और रूट सिक्स में रूट थ्री डिवाइड करेंगे तो रूट टू मिलेगा, क्या ये इंटीजर है? क्या ये नॉन इंटीजर है या नॉट इंटीजर? तो इसलिए ये आपका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं किया। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडा है। अगर यहीं पे मैं बात करूं एलसीएम आप रूट टू और थ्री रूट टू का, तो इसका आंसर आया था, सबने जवाब दिया था कि थ्री रूट टू इस बार सही था, क्योंकि थ्री रूट टू में थ्री रूट टू को डिवाइड करूंगा तो थ्री आएगा, और थ्री रूट टू में रूट टू थ्री रूट टू को डिवाइड करूंगा तो वन आएगा, इस बार दोनों ही इंटीजर आई है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर जी क्यों कह रहे थे कि ये आपका रेशनल और इरेशनल में पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल होता भी है तो कब पॉसिबल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात कि हाँ ये एलसीएम का बिल्कुल बेसिक फंडा है। यूज कहाँ है इसका, यूज कहाँ है भाई? तो यूज है इसका जब हम पढ़ेंगे, इलेवेंथ में तो कम यूज है, इलेवेंथ में तो कम यूज है, ट्वेल्थ में सबसे ज्यादा यूज है जब हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ते हैं, जब ट्वेल्थ में फंक्शन का एक पार्ट होता है पीरियोडिक फंक्शन, और जब पीरियोडिक फंक्शन आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको आप दो या तीन से ज्यादा फंक्शंस के एलसीएम लेने होते हैं, और जब एलसीएम लेते हैं तो वहां पे यही पाई और ये आपके पाई कभी टू कभी इस तरह की चीजें आती है। तो हम एलसीएम लेते समय अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तो बोलते हैं कि एलसीएम एग्जिस्ट कर गया, मतलब पीरियोडिक फंक्शन होगा, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं किया तो हम वही बोल देते हैं फट से कि इसका तो पीरियोडिक ही नहीं होगा, पीरियड हम क्यों निकालें। अगर एलसीएम एग्जिस्ट किया तो पीरियोडिक होगा और पीरियड निकालेंगे भी, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं किया तो कब बोलेंगे कि ये आपका पीरियोडिक होगा ही नहीं फंक्शन। तो इसलिए ये एलसीएम और एलसीएफ जानना जरूरी है। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।